हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं कृतिका मलिक, अरमान मलिक एंड पायल मलिक जी के यहाँ पर मेहंदी लगाने। सो हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ की ओर और अब जा रहे हैं रास्ते में। और ये हमारा छोटा भाई आ गया, जिसे आप जानते हैं सब लोग, ये मेरा छोटा भाई है अयान। सो जैसे जैसे हम आगे आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमारे संग जुड़े रहिएगा। अब जैसे ही हम आगे पहुँचेंगे देन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं अरमान मलिक के यहाँ पर, जहाँ पर पायल मलिक एंड कृतिका मलिक की मेहंदी लगानी है और वो बिल्कुल रेडी होने के लिए गए हुए हैं। जल्दी से वो रेडी होकर आएंगे देन हम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी टीम है मिस्टर अरविंद और ये हैं मिस्टर अयान। हेलो करो गाइज। हेलो। और ये हैं ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें आप सब लोग ही जानते होंगे अजमेर शरीफ की जो दरगाह है। बस अभी स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे स्टार्ट होगा वैसे वैसे आप लोगों को दिखाते हैं। ये इनका एक्चुअली सेकंड हाउस है, इनका जो मेन घर है वो ऊपर है, बट मेहंदी का मे भी यहाँ होगा या कहाँ होगा, देखते हैं आगे। सो गाइस, पायल मलिक जी को एंड कृतिका मलिक जी को लगने वाला है टाइम। इतने में हम भर रहे हैं अपनी मेहंदी की कॉर्न, और कॉर्न भरने के बाद जैसे जो एक्स्ट्रा लोग हैं, मतलब जो गेस्ट हैं, उनके मेहंदी लगानी है। इसलिए मैंने अपनी टीम से बोला कि हम कॉर्न रेडी करते हैं एंड जो भी हमारे गेस्ट हैं फिर हम उनकी मेहंदी स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी कॉर्न रेडी करते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कॉर्न चले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग हो। क्योंकि जब तक मेहंदी का पेस्ट अच्छा नहीं होता है तब तक ना डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम अपना पेस्ट हमेशा खुद से रेडी करते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल। इसका जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों की मेहंदी की पपड़ी बन जाती है, तो हमारी मेहंदी की पपड़ी भी नहीं बनती है और बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत टाइम तक स्टे भी करता है। सो ठीक है, अभी आगे हमारे संग जुड़े। क्या करोगे आप इसका? क्या करोगे आप इसका? गीला गीला। क्या करोगे आप इसका? शादी पे मेहंदी लगा देंगे आपके। हाय सपना जी, सो बताइए आपको हमारी मेहंदी कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी लगी है, शादी में भी बहुत अच्छी लगाई थी। ठीक है, शादी थी और अब बहुत ही अच्छी मेहंदी लग रही है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे। सो कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप? तो यही बोलूंगी कि मैं भैया को, मेरे को इतना खास बोलना तो नहीं आता तो भैया का चैनल है, वो इंस्टाग्राम है, तो उसको जल्दी से जाके फॉलो कर लो और देखो, बहुत ही अच्छी अच्छी मेहंदी शादी वगैरह में लगाते हैं। और इनको जाके थैंक यू। हाय तनु, सो कैसी लग रही है मेहंदी? मेहंदी बहुत प्यारी है, और सबसे अच्छी बात, लास्ट टाइम जब आपने मेहंदी लगाई थी ना, तो जैसे कि मैं BTS की बहुत बड़ी फैन है, लास्ट टाइम आपने मेहंदी में BTS का लोगो भी डाला था। अभी मैं भैया को यही कह रही थी कि ये ना इस बार भी लोगो बनाना है आपको। अच्छा, तो भैया कह रहे हैं पूरी, मतलब मैंने बोला ये बनाना है आपको, तो भैया को लगा इनके फेस भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पूरी नई फेस लोगो बनाना है। तो भैया की मेहंदी, भैया का जो चैनल है उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो भैया को, और जितना प्यार आप हमारी फैमिली को देते हो उतना ही भैया को दो, और डिजाइन तो भैया के है ही, एक नंबर के। थैंक यू। ये मेहंदी है इनकी, छोटे छोटे हाथों पे, प्यारे प्यारे हाथों पे, अच्छी अच्छी मेहंदी। थैंक यू। स्टार्ट है। कैसी लगी आपको हमारी मेहंदी? बहुत अच्छी लगी, ब्यूटीफुल। यही कहना चाहूँगी कि जिसको भी लगवानी हो मेहंदी, आपको ही कॉल करें और आपसे ही मेहंदी लगवाएं। आपके पापा ने भी लगवाई और आपकी मम्मा ने भी लगवाई, आपने क्यों नहीं लगवाई चीकू? क्यों नहीं था मन? इधर देखो, अरे सब देख रहे हैं, पता है वीडियो में, ऐसे शैतानी नहीं करोगे? जल्दी बताओ क्यों नहीं लगवाई? पता नहीं क्यों। शादी में लगवाओगे अपनी? हाँ। है शादी में थोड़ी लगाऊंगा। क्यों? पता नहीं। शादी नहीं करनी? पापा तो बोल रहे हैं आपके करेंगे जल्दी शादी।
भी लगाते हैं ऐसा। और यहाँ पर हमारे आयान भाई मेहंदी लगा रहे हैं, बहुत ही प्यारी। और जो मेहंदी लगवा रहे हैं वो भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, उनके हाथ भी बहुत प्यारे हैं। सो अच्छे हाथों पर अच्छी डिज़ाइनिंग चल रही है यहाँ पर, और बस जल्दी से इनका हैंड। सो गाइज, हमने यहाँ पर मेहंदी स्टार्ट कर दी है कृतिका मैम एंड पायल मैम की, क्योंकि इनका हो रहा है सॉन्ग का शूट। दैट्स वाई हमने यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग की है मेहंदी लगाने की, एक लाइन की है और लाइन पर किए हैं सिर्फ राउंड, ताकि इनका शूट कंप्लीट हो जाए। जैसे ही इनका शूट कंप्लीट होगा ये करेंगे ड्रेस चेंज, देन इनकी मेहंदी स्टार्ट हो जाएगी। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आगे तक देखते रहिए बिल्कुल। सो गाइज, यहाँ पर ये दोनों कर रहे हैं एक सॉन्ग पर प्ले, जिसमें ये रील बना रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मैं हंसता था लगातार टाइम, क्योंकि कृतिका मैम बहुत ज़्यादा हिट रही थी, बट अभी शूट चल रहा था इसलिए एडजस्टमेंट हो गया। और यहाँ पे कृतिका मैम ने मेहंदी स्टार्ट करा ली है, और ये हम लोग लगा रहे हैं 3D मेहंदी बेबी शॉवर की, जिसमें वन साइड बना रहे हैं हम बेबी गर्ल, वन साइड बना रहे हैं हम बेबी बॉय। तो बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रहे हैं, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। और जो लोग हम बिल्कुल न्यू हैं वो हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप आगे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए मिलें। और फ्यूचर में कभी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप बुकिंग करा सकते हैं हमसे, हम लोग वर्ल्ड में कहीं भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबली वर्क करते हैं, तो कहीं की भी बुकिंग हो हम लोग आ जाते हैं गाइस। तो कैसी लगी हाँ वो हम लोगों की मेहंदी कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइज, हमारा वन हैंड कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा बहुत ही अच्छे से, बस फिंगर रह गई हमारी जैसे कि। सो हम यहाँ पर थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं मैं और कृतिका मैम, जिसमें बहुत तारीफ हो रही है हमारी मेहंदी की कृतिका मैम से, और वो बोल रहे हैं कि हमने जब लास्ट टाइम लगवाई थी तब तो एक्चुअली कृतिका मैम लास्ट टाइम मेहंदी नहीं लगवा पाए थे, थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी क्योंकि सारा मैनेज वही कर रहे थे पायल मैम की शादी में। दैट्स वाई उन्होंने बोला इस बार मैं बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाऊंगी, वो भी 3D वाली। सो हमने भी फिर 3D मेहंदी लगाई कृतिका मैम को, और उनको बिल्कुल हैप्पी कर दिया। सो गाइज, ये है पायल मलिक का हैंड, पायल मलिक मैम का हैंड, जिसमें मैंने बनाई है एक छोटी सी बेबी गर्ल, और ये आ गई फ्रंट पे हमारी मैम हंसती हुई मुस्कुराती हुई, बहुत प्यारी स्माइल देती हुई। इनकी जो स्माइल है ना, मतलब बहुत ही अच्छी है, और इनका नेचर मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये दोनों इतने अच्छे से रहते हैं साथ में, इतने अच्छे से, शायद रियल सिस्टर भी नहीं रहते होंगे ऐसे, बहुत ही प्यारे, मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं दोनों, इतने मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। और अब मैं बना रहा हूँ 3D हार्ट, जो कि हमारे स्पेशल होते हैं, इसके बिना हमारी मेहंदी अधूरी रह जाती है। सो गाइस, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे 3D हार्ट, ये हम बैक हैंड पे डिजाइनिंग लगा रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है फुल हैंड दिखाते हैं आपको। और अभी आने वाली है हमारी कृतिका मैम, ओ ये आ चुके हैं साथ में, यहाँ मैं मेहंदी लगा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे टीम मेंबर अरविंद मेहंदी लगा रहे हैं साथ में, और बस कृतिका मैम की मेहंदी हो गई है कम्प्लीट ऑलमोस्ट। अभी इनके बाद हम स्टार्ट करेंगे पायल मैम की मेहंदी। तो गाइस जुड़े रहिएगा वीडियो से, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो।
सो आ गई है अब हमारी पायल में, जिनकी हम बैक हैंड पर मंडाला डिज़ाइन लगा रहे हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट। सो इनकी मेहंदी भी कंप्लीट होने वाली है। गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कैसा लगा हमारा ब्लॉग। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, मुझे इतना नॉलेज नहीं है ब्लॉग बनाने का कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, बट मैंने एक कोशिश की है कि हम एक ब्लॉग बनाएं, बट अब पता नहीं कैसे बनाएं, ये तो आप लोग ही बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, और आप जहाँ से भी हैं हमें बुलाइए, हम ज़रूर आएंगे आपके यहाँ मेहंदी लगाने और बहुत अच्छी बहुत प्यारी मेहंदी लगा कर देंगे आप लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। सो गाइस मेहंदी हो गई है कंप्लीट, ये कृतिका मैम की मेहंदी और ये है पायल मैम की मेहंदी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर करें।